हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इट मींस चेंज द डिग्री व्हिच विल आस्क इन योर एग्जाम फॉर द 1 मार्क्स आइदर फॉर द 2 मार्क्स। 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको ऑलरेडी डिटेल में आप पढ़ चुके हो, तो आज जस्ट हम इसका रिविजन लेंगे। सी डिग्री, एज यू नो दैट कि डिग्री जो है, देर आर द 3 काइंड्स, उसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज अ कंपरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज अ सुपरलेटिव डिग्री। सी हाउ यू आइडेंटिफाई योर डिग्री इज अ पॉजिटिव आर द कंपरेटिव आर द सुपरलेटिव। तो ध्यान में रखना है कि as you know that your degree is divided into 3 parts, positive, comparative and superlative। और ध्यान में रखिए, degree जो है हमेशा adjective वाले शब्द का बनता है, विशेषण वाले शब्द का जो है ये degree बनता है। तो अब जब हम positive से comparative बनाते हैं, तो always mind that कि positive degree के अंत में अगर आप er, अगर आप क्या जोड़ते हो, ER जोड़ते हो, तो हमारा हो जाता है कंपेरेटिव डिग्री। इट मीन्स ये डिग्री आपको मिलती है। और अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST क्या जोड़ते हो, EST, तो हमको मिलता है सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है टॉल, टॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री, बट अगर इसमें हम ER जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है टॉलर, ये हो जाता है हमारा कंपेरेटिव। एंड अगर हम EST जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव। इसी तरह से स्मॉल, स्मॉल में अगर आपने ER जोड़ दिया तो ये आपका हो गया कंपेरेटिव डिग्री, और अगर इसी में आपने EST जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से रिच, रिच इज द पॉजिटिव डिग्री, रिच में आपने ER जोड़ दिया रिचर, EST जोड़ दिया richest। इसी तरह से यंग, यंग में ER जोड़ दिया younger, कंपेरेटिव डिग्री, और EST जोड़ दिया तो हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। समटाइम्स इट्स हैपन दैट कि यदि पॉजिटिव में अंत में Y हो, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि वाई होता है, तो वाई को हटाकर हम लोग उसका जब कंपेरेटिव बनाते हैं तो IER जोड़ते हैं, और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो IEST जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, अब यहाँ से वाई को हम रिमूव करके IER जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंपेरेटिव। वाई को हटा के हमने EST जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव। सेम एज लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, राइट। अब कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए, ये सब ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। कुछ ऐसे पॉजिटिव होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मोर, मोर जोड़कर कंपरेटिव और मोस्ट जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव इसका मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का क्या हो गया, मोर डिफिकल्ट, कंपरेटिव, और सुपरलेटिव क्या हो गया, मोस्ट डिफिकल्ट। एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। अब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं जिसका सुपरलेटिव और कंपरेटिव दोनों अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि गुड, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, गुड, गुड का कंपरेटिव बेटर, अगर बेटर दिया इट मीन्स वो हमारा कंपरेटिव डिग्री है। बेस्ट, बेस्ट दिया इट मीन्स वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो गुड बेटर बेस्ट। बैड, बैड का वर्स, कंपरेटिव डिग्री, और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से लिटिल, लिटिल पॉजिटिव है, लिटिल का लेस, लेस इज द कंपरेटिव डिग्री, एंड लीस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से मेनी, मेनी इज द पॉजिटिव डिग्री,
एंड उसका कंपेरेटिव क्या हो गया, मोर, और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव होता है। अब देखेंगे हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री है या कंपेरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। ध्यान में रखना, अगर एडजेक्टिव के पहले एज और एज लगा हो, पहले और बाद में एज और एज लगा हो, तो वो हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री। और अगर एडजेक्टिव में ई आर लगा हो और देन लगा हो, तो ये हमारा होता है कंपेरेटिव डिग्री। और अगर एडजेक्टिव में ई एस टी लगा हो और उसके पहले द लगा हो, तो ये हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ही आप देखते हो एज और एज आ गया एडजेक्टिव वर्ड, तो इट मीन्स योर इट्स योर पॉजिटिव डिग्री। जब आपने देख लिया ई आर प्लस देन लगा है, इट मीन्स दैट इज योर कंपेरेटिव डिग्री। ई एस टी है और द लगा है, इट मीन्स दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री। सी स्टूडेंट्स अहेड, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपेरेटिव डिग्री। अब देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का किस तरह से हम जो है कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो सी, देयर इज द सब्जेक्ट टू। हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पे दो सब्जेक्ट होते हैं। तो जब भी आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करने जाते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू प्लस हेल्पिंग वर्ब। और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम निगेटिव बनाते हैं, और अगर निगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद उसमें एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देते हैं, और या तो ई आर वाला बनता है और या तो मोर वाला बनता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट वन। ये रूल आपको याद रखना है, सब्जेक्ट टू प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस एडजेक्टिव, ई आर मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट वन। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, यदि वाक्य में नॉट लगा हो तो उसे चेंज करते समय वाक्य से नॉट हटा देते हैं, और यदि वाक्य में नॉट नहीं हो तो उसे चेंज करते समय वाक्य में नॉट को लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप कि जैसे ये सेंटेंस आपको दिया गया है, सीता इज एज टॉल एज गीता। अब यहाँ पे देखो, जो स्टार्टिंग में आया है ये आपका सब्जेक्ट वन हो गया, इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद अब एज और एज है तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। अब इसके बाद जो है टॉल, टॉल एडजेक्टिव वर्ड हो गया, प्लस ये हमारा जो है सब्जेक्ट टू हो गया। तो इस तरह से हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट वन, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव वर्ड, सब्जेक्ट टू। अब देखिए रूल हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री का जब हम कंपेरेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट टू लिखते हैं। देखिए रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू, तो पहले आप सब्जेक्ट टू लिख लीजिए। सब्जेक्ट टू क्या है, गीता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गीता। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस, तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया इस। दूसरी चीज के आधार में रखनी है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमको सेंटेंस में नॉट लगा देना है, और अगर है तो हटा देना है। तो यहाँ पे नहीं है हमारे सेंटेंस में नॉट, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा गीता इज नॉट। अब टॉल, अब ध्यान में रखिए टॉल में ई आर जोड़ोगे तभी उसका कंपेरेटिव बनेगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है कि एडजेक्टिव में ई आर जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉलर। अब उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी रूल में लिखा है कि देन लगाना है, तो यहाँ पे भी हम देन लगा देंगे, गीता इज नॉट टॉलर देन सीता। तो इस तरह से ये हमारा जो है पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज हो गया। अब दूसरा रूल यहाँ पर हम देखेंगे, कंपेरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, कि कंपेरेटिव डिग्री का हम किस तरह से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी वही है सेम चीज, कि पहले जो है हम यहाँ पर सब्जेक्ट टू लिखते हैं, उसके बाद जो है हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो आया है, प्लस
नॉट, अब देखिए नॉट इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉट आता है तो हमको उसको चेंज करते समय हटा देना है, और अगर नॉट नहीं आता है तो हमको लगा देना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्लस। अब देखिए हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, तो पॉजिटिव में एज और इसके बाद एडजेक्टिव वर्ड रहता है और फिर एज लगा देते हैं प्लस सब्जेक्ट वन, राइट। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, ईमेल इज चीपर देन पोस्टल रूट। अब ये तो बहुत आसानी से आप पहचान लिए कि ईमेल इज चीपर देन पोस्टल रूट। अब ये जो है हमारा है कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री ध्यान में रखो, कंपैरेटिव डिग्री होगा तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया, तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग में जो आया सब्जेक्ट वन, हेल्पिंग वर्ब आप पता है आपको इज एम आर वॉज वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। चीपर ई आर लगा है तो ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। ये हमारा जो है देन के बाद जो भी आया होगा वो सब्जेक्ट टू हो गया, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द पोस्टल रूट, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लगा देंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब इसको चेंज करने जाएंगे तो सेंटेंस में नॉट लगा देंगे। इसके बाद जो है अब चीपर, चीपर का अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव बनाते हैं तो होता है चीप। अब चीप से पहले अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या लिखेंगे, एज फिर एडजेक्टिव वर्ड एज, तो एज चीप एज इसके बाद सब्जेक्ट वन ईमेल। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमने जो है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बना। और क्लियर करने के लिए एक रूल और देख लेते हैं, जैसे शिमला इज कूलर देन माथेरान, अब ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है, अब इसको हमको पॉजिटिव में चेंज करना है। अब कैसे पहचाना हमने कंपैरेटिव डिग्री है, कूलर लगा है, ई आर लगा है, राइट, ई आर लगा है, इट मीन्स ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान में रखना। अगर कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब दिया गया माथेरान, राइट, सब्जेक्ट वन, अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव वर्ड, और ये देन के बाद जो भी आया होगा वो हो गया आपका सब्जेक्ट टू। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट टू, तो हो गया माथेरान, राइट। अब माथेरान इस, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि अगर हमारा नॉट नहीं है सेंटेंस में तो हम नॉट लगा देंगे, अगर है तो हटा देंगे, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, तो माथेरान इज नॉट। अब इसका एज, राइट, अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एज, फिर कूलर का हो जाएगा कूल, ई आर को हम रिमूव कर देंगे, तो कूल एज, कूल एज, फिर सब्जेक्ट वन शिमला, तो माथेरान इज नॉट एज कूल एज शिमला। तो इस तरह से हमने देखा कि आज जो है हमने दो रूल पढ़े कि हाउ वी कैन चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव सेंटेंस एंड कंपैरेटिव सेंटेंस इनटू पॉजिटिव सेंटेंस।